बिहारी बिहारी सतसई आप सबको मालूम है। अच्छा ये बताइए बिहारी सतसई में कितने रोए थे? 216 सतसई 716 नहीं 713 कहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग कहते हैं 719 फिर भी वेरी गुड बहुत बढ़िया क्या बहुत करीब थे 716 सतसई का मतलब ही यही है सतसई 7 × 100 यानी कि 700 तो बिहारी ने सतसई नाम इसलिए रखा क्योंकि 700 के लगभग थे। अब कुछ विद्वान कहते हैं इसमें 13 है कुछ कहते हैं 19 है कोई दिक्कत नहीं पर हाँ 700 दो तो है बिहारी सतसई और ये उनकी एकमात्र रचना है और इसमें हमको भक्ति के भी दोहे मिल रहे हैं इसमें हमको नीति के भी मिल रहे हैं और इसमें हमको श्रृंगार के भी मिल रहे हैं और ये चीज हम देख चुके हैं प्रमाणित हो चुका है। हमने अब तक जितने दोहे पढ़े हैं उसमें हमने भक्ति के भी दोहे पढ़ लिए और उसमें हमने प्रेम और श्रृंगार के दोहे हम पढ़ रहे हैं अभी तक नीति का दोहा कोई भी नहीं आया देखते हैं आगे आ जाएगा नीति का भी क्योंकि इसकी त्रिवेणी बिहारी सतसई में बहती है। ये तो हमें मालूम है छंद तो दोहा ही है और अलंकारों से तो उनकी कविता लगी पड़ी है अलंकारों की तो कोई कमी है ही नहीं एक एक दोहे में 4-4, 5-5 अलंकार देखने को मिल रहे हैं। अच्छा मुझे बता दीजिए अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपको कौन कौन से अलंकार याद आ रहे हैं? वेरी गुड श्लेष यमक अनुप्रास वेरी गुड बहुत बढ़िया विरोधाभास पढ़ा था ना श्लेष तो खूब ही हमें। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कल के जहाँ अपने छोड़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कहा कहो बाकी दशा हरि प्राणन के ईस और ब्रह ज्वाल जरि वो लखे मरिबो भई आशीष। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि जहाँ प्रेम और श्रृंगार की बात आती है वहाँ बिहारी ने नायक और नायिका का बड़ा नक्षिक वर्णन भी किया उसका बल्कि सौंदर्य का वर्णन भी किया और नायक और नायिका की जो ग्रह अवस्था है जो संयोग अवस्था है उस सबका वर्णन भी किया है और साथ में नायिका की जो सखी है उसका सहारा लेके नायक संदेश भी नायिका को भेज रहा है और जो सखी है वो नायिका की स्थिति भी नायक को बता रही मतलब जो सखी है वो दूती है दूती मतलब मैसेंजर है संदेश वाहिका है वो नायक की बात नायिका तक पहुंचाती है और नायिका की बात नायक तक पहुंचाती है। अब हमने ऊपर पढ़ा कल जो मैंने पढ़ा था कि यद्यपि सुंदर सुगर सुनी सुनो दीपक दे और तो प्रकाश करे थे तो भरिए जे तो सने उस दूती ने उस सखी ने उस मैसेंजर ने उस संदेश नायिका ने नायक की बात आकर नायिका को कहा कि यद्यपि तुम बहुत सुंदर हो तुम गुणवती भी हो लेकिन तुम्हारी सुंदरता की सार्थकता तब है जब तुम्हारे अंदर प्रेम भी पैदा हो जाए माधुर्य भाव पैदा हो जाए तब तुम्हारी सुंदरता की सार्थकता है। कल पढ़े थे ना अपन ने अब वही दूती नायक को जाकर नायिका की स्थिति बता रही है क्या कह रही है वो कहा कहो बाकी दशा मैं अपनी सखी की दशा से मैं क्या बताऊं बहुत बेहाल है बेचारी ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है वो तुमको प्रेम नहीं करती वो तुम्हारी वियोग व्यथा में वो व्यथित नहीं है कहा कहो क्या कहूं अर्थात इतनी ज्यादा उसकी बुरी दशा है कि मैं उसको अपने शब्दों में बता नहीं पा रही है कहा कहूं बाकी दशा हरि प्राणन के ईश उसके प्राणों के जो ईश है उसके प्राणों के जो स्वामी है वो तो कौन है हरि ही है। अब देखो यहाँ एक बात का ध्यान रखना जब बिहारी भक्ति की बात करते हैं तो उनके जो आराध्य देव हैं वो कृष्ण हैं और राधा हैं और जब वो प्रेम की बात करते हैं तो वहां भी कौन कौन आ जाता है राधा और कृष्ण नायक और नायिका के रूप में भी कौन आ जाता है नायक के रूप में मोहन आ जाते हैं कृष्ण आ जाते हैं और नायिका के रूप में राधा आ जाती है और कई बार जरूरी नहीं है कि अर्थ में कृष्ण और राधा आ जाए कई बार लौकिक नायक और नायिका भी आ जाते हैं हम जैसे बीच के लोग भी नायक और नायिका के रूप में आ जाते हैं। तो अगर कहा कहो बाकी दशा हरि प्राणन के ईश उसके प्राणों का स्वामी तो अब भगवान ही है। अपन कहते हैं जब बहुत बहुत बुरी हालत होती है तो क्या कहते हैं अब तो भगवान ही रखवाला है कहते है नहीं कहते मतलब इतनी बुरी दशा है मेरी सखी की तुम्हारी याद में कि उसकी दशा को मैं अपने शब्दों से तो कह ही नहीं सकती अब तो उसके प्राणों की रखवाला भी कौन है ईश्वरीय मतलब कभी भी उसके प्राण तुम्हारी याद में जा सकते हैं उसके प्राणों के रखवाले भी कौन है
भगवान ही है और ग्रह ज्वाल जर बोल के, और वो तो ग्रह की ज्वाला में जल रही है, तुम्हारी वियोग की ज्वाला में जल रही है। और जब मैं उसको देखती हूँ ना, तो मैं भगवान से केवल एक ही आशीर्वाद मांगती हूँ, हे भगवान इससे अच्छा तो उसको मौत दे दे। देखो कितनी गहराई बताई है, और कितनी मित्रता का जो प्रेम होता है, जो हमारा बहुत अच्छा मित्र होता है, वो हमारे दुख को देख नहीं पाता। आपने भी कई बार देखा होगा हमारे घर परिवार में, जब कोई व्यक्ति किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित होता है, बहुत परेशान होता है, बेड पे पड़ा हुआ है, सालों साल हो गए है, बोल नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, तो अपन क्या कहते हैं, हे भगवान अब इसको उठा लो, कहते नहीं कहते। तो नायिका की स्थिति नायक की याद में इतनी बुरी हो गई है कि वो सखी क्या कह रही है कि मैं तो भगवान से भी ये प्रार्थना करती है, भगवान इतनी बुरी दशा हो रही है। क्लियर, समझ में आया? तो कहा कहो बाकी दशा हरि प्राणन के इस, और ग्रह ज्वाल जर बोल के मरगो भय उचित। मरना भी उसके लिए अब आशीर्वाद है, मरना भी उसके लिए क्या है, आशीष है, आशीर्वाद है। मतलब तुम ये मत सोचो कि तुम ही नायिका को प्रेम करते हो, नायिका भी तुमसे बहुत प्रेम करती है। और जब तुम नायिका से नहीं मिल पाते तो तुम ही दुखी नहीं होते हो, नायिका तो इतनी ज्यादा दुखी हो। क्लियर, आगे चलो। अब देखिए आगे का क्या शानदार दोहा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुओ। पत्रा किसे कहते हैं, पंचांग, जिसमें अपन तिथि देखते हैं कि आज एकम है क्या, आज दूज है क्या, चौथ है क्या, पूर्णिमा कब है, अमावस कब है, उसको कहते हैं पंचांग। तो पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुओ, और नित प्रति पूनो ही रहे आनंद आप उजोस। नायिका के सुंदरता का वर्णन किया, नायिका की ग्लोइंग स्किन का वर्णन किया है कि नायिका की जो स्किन है, नायिका की जो चमक है, नायिका का जो सौंदर्य है, नायिका का जो शोभा है, जो उसकी ब्यूटी है, वो किस तरीके से चारों तरफ फैली हुई है। आपको याद है हमने एक और पढ़ा था, अंग अंग नग जगमगत और दीप जिकासी दे, और दिए बढ़ाए हो रहे हो तो बड़ो उजियारो गे, दिया बजा दो तो भी घर में क्या रहता है, बहुत उजियारा रहता है। कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर कही है, पर यहाँ घर से बाहर की बात कही है, और भी ज्यादा अतिशयोक्ति। क्या कह रहे हैं कि जिस घर में नायिका रहती है ना, उस घर के आसपास मालूम नहीं पड़ता कि कब पूनम आती है और कब अमावस आती है। हम तो आकाश में देख के फटा कर लेते हैं, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, अमावस है, बहुत ज्यादा रोशनी हो रही है, और एक चंद्रमा पूरा है, पूर्णमासी है। हमको कोई पत्रा या पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम अपने आस रात को रात्रि की कालिमा और उसकी रोशनी को देख के अंदाज लगा लेते हैं, अरे भाई अंधेरा पाक आ रहा है, अरे भाई उजियारा पाक चल रहा है, अरे पूर्णमासी आने वाली है शायद, अरे अमावस आने वाली है, पता कर लेते, नहीं पता कर लेते। बिहारी कह रहे हैं नायिका जिस घर में रहती है ना, उसके घर के आसपास मालूम नहीं पड़ता कब पूर्णमासी और कब अमावस। यदि हम तिथि जानना चाहें तो पंचांग देखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि नायिका का सौंदर्य की जो चमक है ना, वो उसके घर के चारों तरफ इतनी फैली हुई है कि हमेशा पूर्णमासी रहती है, वहां अंधकार आता ही नहीं है, वहां अमावस आती ही नहीं है, नित्य प्रति पूर्णो ही रहे, नित्य प्रति हर दिन क्या रहती है, पूर्णमासी ही रहती है। क्यों रहती है, आनन ओप ओजोस, आनन माने मुख, उस ओप माने उजाला, सुंदरता, ओप माने सुंदरता, उजास माने उजाला, जो नायिका के मुख की सौंदर्य का जो उजाला है ना, उसके कारण वहां तो हमेशा क्या रहती है, पूर्णमासी ही रहती है, वो उजियारा। तो नायिका की सुंदरता का जो उजियारा है, वो उसके घर के चारों तरफ भी फैला रहता है, और इतना फैला रहता है कि अमावस भी निष्प्रभावी हो जाती है, अमावस का अंधकार भी हार जाता है, अमावस का अंधकार भी वहां दिखाई नहीं देता। तो यदि हमको तिथि का पता करना है कि कौन सी तिथि है, तो आप चंद्रमा को देखकर या रोशनी को देखकर पता नहीं कर सकते, आपको पंचांग देखना ही पड़ेगा। अतिशयोक्ति, कौन सा अलंकार, भैया कितना बड़ा चढ़ा के बात करिए, ऐसा होता है क्या, ऊपर तो बिजली का बिल बचा दिया और यहाँ पर बढ़ा नहीं दिया, यहाँ पर आसपास के ऊपर तो अपने घर का बिजली का बिल बचाया, यहाँ तो पूरे मोहल्ले का बचा दिया, पूरे मोहल्ले में रोशनी रहती है। आगे देखिए,
निसी अंधियारी नील पटु पिहरी चली पिए गे और कहो दुराई क्यों दुरे दीप शिकासी दे। अब हम ऊपर पढ़ के चुके हैं कि नायक नायिका को बहुत याद कर रहा है, नायिका का भी बहुत बुरा हाल है नायक को याद करने के लिए। तो जब ये ग्रह सहा नहीं जा रहा तो नायिका चुपचाप से नायक से मिलने जाती है। हमने एक दोहा और पढ़ा था, कहत नगत रीजत रीजत, पढ़ा था हमने। लोगों के बीच में नायक नायिका आपस में बात कर रहे हैं। अब ये जो नायिका है यहाँ पर वो नायक से मिलने जाना चाहती है, जो हीरोइन है हमारी वो हीरो से मिलने जाना चाहती। अब सारी दुनिया को तो पता नहीं चलना चाहिए, आपको भी मालूम है कि प्रेम वाला मामला तो बड़ा मतलब लोक मर्यादा होती है, समाज से छुपकर, क्योंकि समाज इसको स्वीकार नहीं करता। इस बात पर कभी अलग बात करेंगे कि समाज इसको स्वीकार क्यों नहीं करता, कभी अलग विषय पर इस पर बहस करेंगे। आज मैं बता रही हूँ कि समाज इस प्रेम को थोड़ा लोक मर्यादित रखता है, इतना स्वीकार नहीं करता, तो चुपके चुपके मिलते हैं। प्रेमी प्रेमी का मानते थोड़ी है, क्योंकि ये दिल नहीं मानता तो मिलना तो है, तो चुपका चुपचाप चुपचाप मिल रहे हैं। तो जो नायिका है ना वो नायक से मिलने जा रही है। अब वो जब मिलने जा रही है तो उसका मन ये है किसी को मालूम ना पड़े। तो उसने क्या कहा, अंधेरी रात में जान तो कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि यदि मैं उजियारी रात में गई तो मैं दिख जाऊंगी सबको। तो उसने कौन सी रात चुनी नायक से मिलने के लिए, अंधेरी, जो अंधेरा पाप होता है ना, जिसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात चुनी कि मैं मिलने जाऊँ। अब जब उसने मिलने का तय कर लिया तो उसने कहा मैं कपड़े क्या पहन के जाऊँ। तो उसने सोचा ऐसा करो बिल्कुल गहरे नीले रंग की साड़ी पहन लो तो मैं दिखूंगी नहीं, सफ़ेद सफेद रंग की साड़ी पहनी तो दिख जाऊंगी, तो मैं नीले रंग की गहरी साड़ी पहन लेती हूँ, अंधेरे में छिप जाऊंगी दिखेगी। तो निसी अंधियारी अंधेरी रात में नील पटु नीले रंग के वस्त्र पहनकर चली पिए गए अपने प्रियतम से मिलने के लिए चली। कौन? नायिका। अब समझ में आई लाइन, निसी अंधियारी नील पटु पहरे चली पिए गए अपने प्रियतम से मिलने के लिए चली। कहो दुराई क्यों दुरे। अब सब दूसरे लोग कह रहे हैं कि कितनी बेवकूफ है ये नायिका, छुप छुप के मिलने जा रही है, क्या छिप सकती है, तूने रात अंधेरी चुन ली, तूने कपड़े नीले चुन लिए और तेरी जो देह है वो तो दीपशिखा जैसी चमक रही है, तो तेरी जो देह है तो ये तो चमकेगी भाई, तो ये तो दुनिया देखेगी, तो छुप छुप के मिल नहीं पाएगी, जनता को मालूम पड़ी जाएगा। और कहते भी है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, जो प्रेमी प्रेमिका सोचते तो बहुत है कोई हमें देख नहीं रहा है, पर सब जानते हैं क्या चल रहा है। तो निसी अंधियारी नील पटु पहरे चली पिए गे और कहो, अरे कहो ये कितने बुद्धू है ये नायिका, दुराई क्यों दुरे, छुप जाएगी क्या, कैसे छुप जाएगी, दीपशिखा सी दे, इसकी जो देह है इसका जो शरीर है वो तो दीपशिखा की जैसे चमक रहा है, तो ये तो अंधेरी रात में भी सबको नजर आएगी। क्लियर, समझ में आ गया। औंधाई शिशी सूलखी ग्रह बरन बिल बिल लात और बिच ही सूखी गुलाब को और छीटो दुईना गात। देखो गात का मतलब होता है शरीर, गात का मतलब क्या होता है, मैं नीति का कोई भी नहीं आया, मैं आपको एक साथ में नीति का भी बताना चाह रहा हूँ। चलो देखो एक बार है अपने भक्ति के पढ़ लिए श्रृंगार के पढ़ लिए, मैं आज आपको ये सिद्ध करना चाह रही हूँ कि जो बिहारी है वो नीति भक्ति और श्रृंगार तीनों की त्रिवेणी बहती है। अब देखो इन्होंने बहुत सारी चीजें हैं जो नीति की भी बात कही है, जैसे कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय जा खाए बौराए नर बाप आए बौरा। बहुत बार आपने ये दोहा सुना है और याद होना चाहिए ये वाला दोहा भी, क्योंकि यमक अलंकार का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण। यहाँ पर उन्होंने नीति की बात कही है, कनक कनक ते सौ गुनी, यहाँ कनक शब्द दो बार आया, एक कनक का मतलब है गोल्ड सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा। तो वो कह रहे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिका है, इस कनक में यानी कि सोने में गोल्ड में धतूरे से भी ज्यादा मादकता है, ज्यादा नशा है। अब आप सोच रहे होंगे यार गोल्ड में मादकता नशा कैसे हो सकता है, गोल्ड तो पहनने की चीज है, धतूरा लोग खा के नशा करते हैं, पर सोने में नशा कैसे होता है। अरे भैया जिसके पास सोना होता है ना
जरा देखो तो सही, सीधे पैर नहीं पड़ते, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, घमंड में सोचता कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो उसमें घमंड का नशा है। सोने में किसका नशा है? और वो नशा भी धतूरे से 100 गुना है। धतूरा इंसान खाता था एक रात में उसका नशा उतर जाता है, लेकिन सोना जिसके पास होता है, धन संपत्ति जिसके पास होती है, उसका नशा तो सालों साल तब तक नहीं उतरता जब तक उसके पास धन रहता है। तब तक तो वो और लोगों को तो कीड़े मकोड़े की तरह मानता है और अपने आप को शहंशाह मानता है। मैं जो चाहूं मेरे शब्द ही कानून। आपने पढ़ा होगा फ्रांस का लुई 17वां, पढ़ी आपने हिस्ट्री? तो देखो यार कभी हिस्ट्री पढ़ो आप, और नहीं तो 10वीं तक तो पढ़ के आए हो। रूस का जार, फ्रांस का लुई 17वां कहता था मेरे शब्द ही कानून है, क्योंकि पैसा था, आए धन था, तो धन में बहुत ज्यादा अहंकार होता है। इसीलिए कह रहे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। क्यों है मादकता अधिकाय? कि जा खाए बाहर आए ना, धतूरे को तो खाता है तब उसके अंदर नशा आता है, पागल हो जाता है वो। धतूरे को तो खाकर खाकर पागल होता है, और ये सोना तो ऐसी चीज है तो खाकर ही पागल हो जाता है। तो नशा ज्यादा किसमें है? उसमें ज्यादा है। ये नीति की बात कही है ना, नीति मतलब समाज का नियम, किस तरीके से हमको अपना जीवन जीना है। तो इस दोहे के माध्यम से वो क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास धन संपत्ति भी हो ना, तो भी पागल मत हो यार, घमंड मत करो, अहंकार मत। ठीक है, को कही सके बड़े सो लखे बड़ी हूँ भूल, और दीने दही गुलाब को इन डारन ये फूल। बिहारी ने बड़ी यथार्थवादी बात कही है यहाँ। अच्छा, हमारे समाज में ऐसा होता है, नहीं होता है कि एक ही काम को 1 करोड़पति आदमी करे और 1 गरीब आदमी करे, या 1 बड़ा अफसर कर दे और 1 छोटा कोई कर्मचारी कर दे। किसको सजा मिल जाती है? कर्मचारी। छोटे लोगों को, उनकी बदनामी भी हो जाती है, उनको सजा भी मिल जाती है, और बड़े लोग तो सब बच जाते हैं। इसी यथार्थता को इसमें समझाया कि को कही सके बड़े इनसो, इन बड़े लोगों को तो भैया कोई कुछ कह नहीं सकता, ये तो कुछ भी कर ले। इनके तो दुर्गुण भी गुणों की तरह बखान होता है, इनके तो दुर्गुणों को भी गुणों की तरह कोई कह नहीं सकता, कौन कहे उनको। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि बड़े लोगों को कुछ कह सके। वो कही सके बड़े सो लखे बड़े ही भूल, बड़े लोग कितनी भी बड़ी भूल कर दें फिर भी उनको कोई टोकता नहीं है, उनकी कोई निंदा नहीं होती, उनकी कोई आलोचना नहीं होती। और दीने दही गुलाब को इन डारनी है फूल, ये बताओ ये गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, और इस खूबसूरत फूल में कांटे दे दिए भगवान ने, क्या कोई भगवान की आलोचना करता है इसके लिए? करता है? और यदि आप ऐसा काम कर दो तो सब कहेंगे क्या करी है इतनी सुंदर चीज, और इस सुंदरता में कांटे दे दिए, तो हम फटाफट बुराई करने लग जाएंगे, आलोचना करने लग जाएंगे। लेकिन बड़े लोगों की कोई आलोचना नहीं करता, उसको हम उन दुर्गुणों को भी हम गुणों की तरह बखान करते हैं। क्या कहते हैं? एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न। अरे हर गुलाब में अपने कांटे होते हैं, जहाँ सुख होता है वहां तो दुख होता ही है। तो हमने बड़े लोगों की तो भूल को भी महिमा मंडित कर देते हैं हम, और छोटे लोगों की। अब देखो ये बड़े बड़े नेता वगैरह हैं, कैसे चोरी करवाते हैं, कैसे हत्या करवाते हैं, कैसे बलात्कार करवाते हैं। 100 में से 5-10 की तो मैं कहने नहीं, ज्यादातर तो 7 फूट जाते। लोगों की जय जयकार करते, जय हो करते नहीं करते जब नेताजी आते हैं तो। और अभी अपने आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा काम कर दे तो फौरन जेल, फांसी। तो बड़े लोगों की तो ये कितनी नीति की बात है। तो बिहारी ने अपने बिहारी ससुर में भक्ति की बात करी, प्रेम की बात करी, शानदार वाले प्रेम की बात करी है, और हम नीति की बात भी कह रहे हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इसलिए इस दोहे से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है कि ठीक है यार, यदि हमने कोई गलत काम कर दिया तो आलोचना तो लोग करेंगे, मैं बड़े लोगों की कोई आलोचना नहीं करता। जो शक्ति संपन्न लोग हैं, जो सत्ता संपन्न लोग हैं, उनकी कोई आलोचना डर के मारे नहीं करता। यदि तुम भी चाहते हो तुम्हारी कोई आलोचना ना करे तो सत्ता संपन्न बन जाओ, शक्तिशाली बन जाओ, पढ़ो लिखो, IAS ऑफिसर बन जाओ, बड़े बड़े नेता बन जाओ, पूंजीपति बन जाओ। फिर तुम कोई भी गलत काम करोगे तो लोगों की जल्दी से हिम्मत नहीं होगी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ये काल, ये भी याद होना चाहिए आपको। दोहा
है ना, नहीं याद आ गया कौन सा सुना है जो कहानी सुनाई थी राजा जयसिंह की, नहीं पढ़ा नहीं मधुर मधु नहीं विकास ये काल और अली कली से बंधे रहे हो आगे कौन है? ये समझाता है हमको ये दोहा कि हमको अपनी जो काम वासना है उस पर नियंत्रण रखना है और जीवन में हर काम करना है पर संतुलित वे में करना है। अति सर्वत्र वर्जयते, प्रेम अच्छी चीज है पर यदि उसके उससे हमारे कर्तव्य में बाधा आए तो प्रेम पर हम कुछ लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ यही एक अन्योक्ति है, इसमें अन्योक्ति अलंकार है, इसकी कहानी मैं आपको सुनाई चुकी हूँ राजा जयसिंह की, कि राजा जयसिंह की राजकुमारी से जब विवाह हुआ तो वो दरबार में आए ही नहीं, और जब वो दरबार में नहीं आते थे राजकाज कैसे चले, तो सारे जो शुभचिंतक थे दरबार के वो चिंता करने लगे कि भाई राजा आ नहीं रहे दरबार में, दरबार के महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो सब लटके हुए हैं, तो कौन राजा को जाकर कहे? अब किसी की भी हिम्मत नहीं, मधुमक्खी के कौन आ देगा, राजा नाराज हो गया। तो लेकिन बिहारी में एक काव्य कौशल था, काव्य प्रतिभा थी कि वो बात कह भी दे अगला समझ भी जाए और डायरेक्ट कुछ कह भी ना सके। बिहारी गए, बिहारी ने ये दोहा लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी तो इसमें कोई पराग कोई खुशबू नहीं है, नहीं इसमें मधुर मधु कोई रस भी नहीं है, और नहीं विकास ये काल, अभी तो इसका विकास भी नहीं हुआ है, अली कली से बंधे रहे हो, अभी ये भंवरा इसने कली से बंधा रहा है। अब देखो पहली वाली पंक्ति में मैं कहीं भी कली शब्द का नाम नहीं आया, पहली वाली पंक्ति में यही आया नहीं पराग। पराग कहते हैं जो फूल में तो खुशबू होती है ना, आपने फूल कभी देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं, होते नहीं होते, उनको पराग कण बोला जाता है और उन्हीं से खुशबू निकलती है। तो कहते हैं अभी तो इसमें पराग कण नहीं है, अभी तो इसमें खुशबू महक नहीं है, और नहीं मधुर मधु, और मधुमक्खी क्या करती है उसके रस को पी के तो शहद बनाती है, यानी कि पुष्पों में क्या होता है रस होता है, अभी इसमें रस भी नहीं है, नहीं विकास ये काल, ये खुशबू और रस क्यों नहीं है, क्योंकि अभी इस कल का विकास नहीं हुआ है। अब किसका विकास नहीं हुआ अभी तक तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा आ रही होगी, ये लाइन पढ़कर ये जिज्ञासा थी किसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन दूसरी लाइन पढ़ते ही क्लियर हो जाता अली कली सो, यानी कि किसके बारे में बात की गई है, कली के बारे में, कि कली में अभी महक नहीं है खुशबू नहीं है परागपण नहीं है अभी मधुर रस नहीं है, और अभी तो ये खिलके फूल भी नहीं बनी है, कली है अभी तो, और भंवरा अभी से इससे बंध गया है, भंवरा अभी इससे बंध गया, अली कली से बंधे रहो आगे कौन आवाज, और जब ये कली फूल बन जाएगी तो इस भंवरे का क्या हाल होगा, जब तो इसमें खुशबू भी होगी इसमें मधुर रस भी होगा और ये प्रफुल्लित भी हो चुकी होगी खिल भी चुकी होगी, तो तब तो जो भंवरा है वो पूरी तरीके से ही भ्रमित हो जाएगा मदहोश हो जाएगा। अब जैसे ही राजा जी ने जैसे ने ये वाला दोहा सुना उनको समझ में आ गया कि कली मेरी रानी को कहा गया है और अली यानी भंवरा मुझे कहा गया है, वो अपने रनिवास को छोड़कर दरबार में आने लग गए। इसको कहते हैं अन्योक्ति, क्या कहते हैं इसको, अन्योक्ति। तो ये अन्योक्ति अलंकार का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट उदाहरण है, ये आपको याद होना चाहिए कि बात किसी और से कही जाए लेकिन लगे कहीं कहीं पे निगाहें और कहीं पर क्लियर समझ आया। आगे चलते हैं, मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुवा समय के फेर और आदर दे दे बोलियत बायस बोली के बेर। ये दोहा मैं आपको समझाऊंगी, देखो उसके पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी कभी तो कोई आपको बहुत प्यार से बुलाया आपको सोचे यार क्या चक्कर है आजकल बड़े चक्कर काटे जा रहे हैं आजकल बड़ी तारीफ हो रही है आजकल बड़ा मान सम्मान दिया जा रहा है, कभी ऐसा अनुभव आप लोगों को हुआ? मतलब वो व्यक्ति जो कभी आपको पूछे ना आपकी तरफ निगाह उठा के भी ना देखे और अचानक आप पर बहुत मेहरबान हो जाए तो अपने मन में आता ना यार ऐसी क्या बात है, आता है ना मत लाया क्यों, क्योंकि समाज में ऐसा होता है, समाज में ऐसा होता है। अरे हम तो इंसान है, कौए को देखो ना जैसे अपने छत पे बैठता है भगा देते उड़ रहे हैं, और जब श्राद्ध पक्ष आता है तो
जब श्राद्ध पक्ष आता है तो बुलाते हैं। तो भाई ऐसा होता है, जब अपना मतलब होता है ना तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। ये बिहारी ने इसमें समझाया है, मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुवा समय के फेर, और आदर दे दे बोले तो बायस बरी के बेर। मतलब अपने पिंजरे में प्यासा पड़ा रहता है, कोई उसको पूछता भी नहीं है, लेकिन जब जरूरत होती है बली के लिए तो बार बार आदर के साथ उसको बुलाया जाता है। और जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाही, और जो आखन सब देखिए आखन न देखी जाए। यहाँ पर फिर भक्ति का दोहा आ गया। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बिहारी ने अपने जो दोहे लिखे हैं उन दोहों में विविध विषय काम में लिए और विविध विषय आपस में घुल मिल गए हैं। मतलब उन्होंने ऐसा भी कोई डिवीजन नहीं किया कि यहाँ भक्ति के हैं या नीति के हो या संस्कार के, कहीं भी कोई भी दोहा उन्होंने लिखा है। यहाँ फिर भक्ति का दोहा आ गया। और यहाँ जो भक्ति का दोहा है ना उसमें बड़ी गहराई वाली भावना है। कौन सी वाली भावना है उसमें? हम ये जो ईश्वर है, हम सब, आप सब लोग ईश्वर को मानते हैं? पक्का बताओ। हाँ। देखा है क्या? फिर मानते क्यों? फोटो फोटो में देखा है इसलिए मानते, क्योंकि ईश्वर तो अलौकिक है। ईश्वर क्या है? अलौकिक। अलौकिक दिखता नहीं है लेकिन सब जगह विराजमान है, सर्वव्यापी है। कहते हैं कण कण में ईश्वर व्याप्त है पर वो दिखाई नहीं देता है। उसकी सत्ता महसूस होती है हमको, सत्ता तो महसूस होती है कि कोई है। कहते हैं ना पर कोई तो है ईश्वर जैसी चीज, दिखे ना दिखे पर दुनिया में कोई तो है। तो जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाही, और जो आंखन सब देखिए आंख न देखी जाए। अब बहुत से लोग इस बात में प्रश्न उठा लेते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है। बहुत अज्ञानी लोग हैं, उनमें से हम भी हैं। हम लोग भी बहुत बार ईश्वर के अस्तित्व प्रश्न उठा देते हैं। तो वो कहते हैं जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाही। हम ईश्वर को पहचानते नहीं, हम ईश्वर को जानते नहीं, हम ईश्वर की महत्ता को स्वीकार नहीं करते, जबकि वही ईश्वर है जिसने हमको ये सारी दुनिया का ज्ञान दिया। बताओ दुनिया में तुम आए, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बड़े हो रहे हो, ये सारी दुनिया की जो जान पहचान है, ये दुनिया का जो सुख है वो किसकी कृपा से मिला है? मैं तो इसको ईश्वर की कृपा मानती हूँ। माना कि कर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक बात बताओ, एक बच्चा जन्म लेते ही गरीब की झोंपड़ी में जन्म लेता है और एक सीधा अंबानी के घर में लेता है, तो कुछ ईश्वर की कृपा ही तो है, है? पूर्व जन्म के कर्म या जो भी हो, मैं तो उसको ईश्वर की कृपा भी मानती हूँ। तो वो कहते हैं जगत जनायो जी सकल, जिस ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया, इस पूरी दुनिया को हमारे जानने योग्य बनाया, सो हरि जानो नहीं, उस हरि को हम जानते नहीं है, उस भगवान को हम महसूस नहीं करते, उस भगवान की महत्ता को हम नहीं समझते जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। और जो आंखें सब देखी है आंखें ना देखी जाए, पे बिहारी जी कह रहे हैं कि माना कि तुम्हें ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर ईश्वर है कैसे? ये आंखें तुमको सारी दुनिया दिखाती है, तुम आंख को देख सकते हो? देखो जरा अपने अपने आंख को, देख सकते हो? किसी ने प्रश्न पूछा होगा बिहारी से, कच्चा ईश्वर तो बता कहाँ है, पूछा होगा किसी ने? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई तुम आंखों से सारी दुनिया देखते हो ना, क्या तुम अपनी आंख को देख पाते हो? क्या नहीं देख पाते ना? ऐसे ही उसकी बनाई हुई सारी दुनिया को तो आप देखते हो, पर आप ईश्वर को देख नहीं पाते। उसको महसूस आ जाता है, उसको अनुभव किया जाता है, वही उसका जानना है, वही उसकी पहचान। क्लियर? समझ में आई बात? बाकी अपन कल पढ़ेंगे, आज काफी हो गया है। आपको इनमें से जो कुछ समझ में नहीं आए वो मुझे बताइए, चार पांच ही दोहे रह गए हैं अपने, वो आपको समझाते हैं। बस आप तो एक बात को ध्यान रखिएगा, बिहारी सत्संग में नीति भक्ति और श्रद्धा तीनों की त्रिवेणी बहरी। आज आपको ये बात समझ में आ गई ना? आज मैंने आपको भक्ति के दोहे, नीति के दोहे क्यों बताया दो तीन? क्योंकि अपन तीन दिन से मैं बात कहे जा रही हूँ, पर आप कह रहे हो मैडम प्रेम तो बहुत आ रहा है, भक्ति तो बहुत आ रही है, नीति कहाँ है? आज आपने नीति भी देखी ना, इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी, देखो बिहारी में दो ही प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं,
एक तो बनता है बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि है तो सिद्ध की, तो उनकी सामस्यता वाली शैली उसमें भी यही सारे दोहे उदाहरण के साथ बताओगे। एक प्रश्न आ जाता है कि बिहारी की बिहारी सत्संग में नीति भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बह रही है, इसको सिद्ध कीजिए। तो अपन को ये तीनों चीज़ें बतानी है, भक्ति की बात, नीति की बात, श्रृंगार की बात। अपने पास तीनों के दोहे हैं, तीनों के उदाहरण देती ना, बाकी जो उदाहरण याद ना हो उनके नाम बताते जाओ। सिद्ध कर दिया आपने, प्रश्नों के उत्तर कहीं बाहर से नहीं आते, जो आप गीता बाइबल के चक्कर में पड़े रहते हो ना, सब इसमें से मिल जाते हैं, कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं। अब ये दोनों प्रश्न यदि आपने याद कर लिए तो एक तीसरा प्रश्न और आ जाता है कभी कभार, बिहारी की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो ये दो ही तो हैं, ये दो प्रश्न में जो चीजें आएंगी वही तो बिहारी की काव्यगत विशेषताएं। क्लियर? कोई दिक्कत? क्योंकि जहां हम बात कर रहे हैं बिहारी की नीति रीति और श्रृंगार की, वहां भावगत विशेषताएं सारी आ गई। जहां हम बिहारी की गागर में सागर वाली बात कर रहे हैं वहां उनकी कलागत विशेषता आ गई भावगत के साथ। तो तीनों प्रश्न तैयार हो गए, इसके अलावा कोई और प्रश्न आता नहीं बिहारी। ठीक है।